अब भविष्य चित्र क्या है? मोह व्याप्त आत्मा अर्जुन की और इसी कारण दुखी आत्मा अर्जुन की और इसी कारण रोता हुआ अर्जुन, यह वर्तमान चित्र। भविष्य चित्र क्या है कि जब इस रोगी को औषधि दी जाएगी उपदेश के रूप में, उसका वह स्वीकार कर लेगा, तो वह स्थिति क्या है? निरोगी की स्थिति भगवद गीता में कहां वर्णित की गई है? तो 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में यह स्थिति का वर्णन है। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज वारंवार इस श्लोक का निर्देश करते थे। श्लोक के शब्द हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मोहग्रस्त और विषादी अर्जुन, उसके उत्तर में देखिए कैसे अद्भुत शब्द है भविष्य चित्र अर्जुन का। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत, हम समझेंगे यह ब्रह्मभूत क्या है, अद्भुत एक स्थिति का नाम है। संपूर्ण गीता का उपदेश मोह व्याप्त अर्जुन को ब्रह्मभूत करने के लिए है, विषादी अर्जुन को प्रसन्नात्मा करने के लिए है, रोते हुए अर्जुन को न शोचति न कांक्षति की स्थिति में बिठाने के लिए है संपूर्ण गीता का उपदेश। अब यह उपदेश शुरू होता है, आप देखेंगे दूसरे अध्याय से, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते। वहां से उपदेश शुरू होगा और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का उपदेश होगा और तब जाकर अर्जुन को अनुभूति होगी, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। तो अर्जुन का यह वर्तमान चित्र द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब यहां पर और एक बात करते हैं, अद्भुत वेदांत शास्त्र की एक बात, एक अलौकिक सिद्धांत। पूरे विश्व को भारत ने अनुपम सिद्धांत दिए हैं, जैसे आत्मा की नित्यता, परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का दिव्य स्वरूप, भगवान का दिव्य निवास स्थान जिसको अक्षरधाम कहते हैं, यह सब अनुपम सिद्धांत है जो भारतवर्ष से जन्मे है। भारतवर्ष ने संपूर्ण विश्व को भेंट दी है, अद्भुत तत्व ज्ञान, अद्भुत फिलॉसफी की भेंट भारतवर्ष की ओर से मिली है। उसमें से एक सिद्धांत, इस आत्मा को जब जन्म मिलता है उसके तीन शरीर होते हैं, तीन शरीर की बात, तीन शरीर का सिद्धांत, शरीर त्रयम। समझो आज हमें मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है, कोई हमें पूछे कि आपके पास कितने देह हैं, तो हम कहें कि एक ही है, तो एक ही दिखता है, तो तीन शरीर की बात कैसे आई? भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा हमें तीन शरीर की बात करती है, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। शरीरत्रय, स्थूलम एकम तथा सूक्ष्मम तृतीयम कारणम मतम तस्य त्रीणि शरीराणि यद बंधात संसुतिम कतः। स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, एक ही नहीं है, तीन है। पहली फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम वजन कर सकते हैं, जिसका रंग होता है, जिसकी हम हाइट ऊंचाई देख सकते हैं, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे यह जो दिखाई देता है यह स्थूल शरीर है, लेकिन एक ही शरीर नहीं है, दूसरा शरीर, देखिए शरीर आत्मा से भिन्न तत्व है यह सब, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। शरीर ही तो आत्मा है, वह देह से भिन्न है, स्थूल शरीर से भी भिन्न है। सूक्ष्म शरीर हमारा मन, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर दिखते नहीं है। शरीर को हम फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, मन को हम देख नहीं सकते,
अंतकरण को हम देख नहीं सकते, सटल बॉडी, वो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन स्थूल से बलवान है, स्थूल को चलाता है सूक्ष्म शरीर। देखियो मन में जो इच्छा होती है वही कार्य हम स्थूल शरीर से करते हैं। लेकिन ये दो ही नहीं है, और एक तीसरा है जिसको कहते हैं कारण शरीर, कॉजल बॉडी। कारण जिसकी वजह से मन के विचार, जिसकी वजह से स्थूल क्रियाएं, तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कभी समय मिले तो एकांत में बैठकर आत्मचिंतन कीजिए, भगवान ने जो शरीर दिया है उनमें इन तीन शरीरों को ठीक से समझिए, और ये समझने से बहुत फायदा होगा। जो जीवन के कुछ दुख तो ऐसे ही निकल जाएंगे, और जो फिर प्रकृति दोष इत्यादि का जो हमारी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे, लेकिन समझने से निकलेगी। तीन शरीर, यहां पर भगवान श्री कृष्ण जब वर्णन करते हैं, अर्जुन का वर्णन जो प्रथम श्लोक में आया, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में अर्जुन जो दिखते हैं उसमें अर्जुन के तीन शरीर दिखते हैं। कैसे तीन शरीर? देखिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इस क्रम में अब मैं अर्जुन का वर्णन सुनाता हूं। अर्जुन का स्थूल शरीर जो इस श्लोक में कहा गया, अश्रु पूर्णा कुलेक्षण, आंखों में आंसू, यह स्थूल शरीर इसलिए है उसको हम देख सकते हैं, आंसुओं को देख सकते हैं। कोई व्यक्ति रोता है तो उसको हम देख सकते हैं, वो रोता है, देखो आंखों में आंसू है। तो रोना, आंसू, अर्जुन का स्थूल शरीर, आंखें लाल हो जाना। लेकिन उसका एक सूक्ष्म शरीर है, विषीदंतम, विषाद करता है, विषाद मन का भाव है। स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, विषाद को, दुख को हम देख नहीं सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, वी कैन रियलाइज इट, वी कांट सी। विषाद को देख नहीं सकते, उसके परिणाम को, उसके फल को देख सकते हैं। आंसू तो विषाद का परिणाम है, एक फल है। तो विषीदंतम अर्जुन का सूक्ष्म सटल बॉडी है, और इसी सूक्ष्म शरीर से स्थूल में परिणाम होते जाता है। लेकिन तीसरा शरीर विषाद भी क्यों है? तो तीसरा शरीर तम तथा कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम का मतलब मोह, स्वजनाशक्ति, वासना, अज्ञान, यह अर्जुन का कारण शरीर शरीर है, कॉजल बॉडी। मोह जहां पर भी है तो समझिए विषाद वहां आ जाएगा। विषाद का कारण मोह, तो कारण शरीर कॉजल बॉडी हो गया, मोह, अज्ञान, वासना। अतएव विषाद सूक्ष्म सटल बॉडी मन का भाव है, और उसकी वजह से स्थूल में परिणाम रोना आ गया। तीन शरीर के भाव, अद्भुत गीता का श्लोक है। सामान्य लगते हैं शब्द हमें,